नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं आज देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू किया जाए इससे पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि इन 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जान लें आपके यहाँ कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। दोस्तों माना जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की या मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। तो दोस्तों ऐसे जान लेते हैं देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल। दोस्तों माना जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य प्रदेश और पूर्व भारत के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस कानपुर, पूर्व उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया था। दोस्तों वहीं उड़ीसा, असम और मेघालय में और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्के या मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्के या मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों वहीं 25 से 27 जनवरी के दौरान मध्य प्रदेश में और मध्य भारत में गरज के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में आइए जानते हैं देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। दोस्तों आपको बता दें कि माना जा रहा है बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार आज से 27 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्के या मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा 24 से 26 जनवरी के दौरान यहां बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। वहीं माना जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्के या मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 25 से 26 27 जनवरी के दौरान मध्य भारत में गरज के साथ हल्की और मध्य बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान और कोहरे की चेतावनी यानी मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह तक मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा यहां के मौसम में और भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं आज सुबह तक पूर्व भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला, हालांकि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हुई है। वहीं आज और कल उड़ीसा, असम, मेघालय और त्रिपुरा में रात और सुबह के समय अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि आज मौसम के यानी देश भर में कैसा रहेगा मौसम यानी निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय और पर हल्के से मध्य बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना और हिमपात के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्य बारिश होने की संभावना है। साथ ही उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।